इसके पहले जो, इसके पहले ऐसा नहीं, सारा फुल ही रहता था, मतलब अभी तो कोविड है इसलिए थोड़ा सा कम भीड़ है, नहीं तो नहीं हमेशा, मतलब ऐसा नहीं, हमेशा जब भी हम पटना में पढ़ाए तो हमेशा स्टेज पे बच्चे बैठते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। और आप लोग भी तो मेरे काफी करीब बैठे हैं तो और अच्छी बात है ना, ठीक है ना, थोड़ा सा शर्म लगेगा एक दो दिन, ठीक है ना, लेकिन फिर आदत बन जाएगा। आजी ऊपर आजी। आप लोग यहाँ पे, आप वहां बैठ जाइए, कोई बात नहीं है। देखिए जो करीब बैठता है वो ज्यादा गेन करता है, क्या आप लोग करीब है तो ज्यादा गेन कीजिएगा ना। चलिए ओके, स्टार्ट किया जाए। हाँ थोड़ा सा है, चमकता है तो। इसलिए ब्लैक कलर का यूज करते हैं, हम आराम से पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है किसी को भी, ठीक है। जो कल पढ़ा है तो क्लियर है, ठीक है ओके। देखेंगे थोड़ा सा, 5 मिनट हमको टाइम दीजिए आप, 5 मिनट। पहला पॉइंट की ये सब जानते हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2 सब लोग जानते हैं, गुड। दूसरा पॉइंट की 1 से लेके 10 तक जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 55, सब जानते हैं, गुड। तीसरा, 23 में अगर हमको मान लीजिए कि 53 से गुणा करना है तो 3, सुनिए ये हम जो पढ़ाए थे इसके पहले उसकी बात कर रहे हैं, कल पढ़ाए थे वो, 3 स्टेप में गुणा होता है, होता है ना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। सुनिए, सबसे आसान होता है स्टेप 1 और 3। 1 के लिए हम क्या करते हैं, इकाई का गुणा इकाई से, 3 तिरिके कितना 9, ये करते हैं। अब बीच वाला जो स्टेप होता है ना, थोड़ा सा लेंथी होता है, इसमें 2 गुणा आता है, बीच का 20 से आता है और साइड का साइड से आता है, 5 15, 3 2 6 15 6 21, तो 21 का 1 हाथ में कितना, 2, ठीक है। उसके बाद से हाथ में 2 जो बचा है उसको हम रखे हुए हैं। अच्छा अब बताइए इसका दहाई अंक कौन सा है, 5, और इसका दहाई अंक 2, तो ये जो तीसरा स्टेप होता है इसमें दहाई का गुणा दहाई से होता है और आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 2 कितना 10, और 10 2 कितना जी 12, तो ये 3 स्टेप का गुणा है, इसको माइंड में रखना है, ये बहुत काम का है, हर जगह आएगा, ठीक है ना। गुणा सबसे ज्यादा आता है, कोई भी चैप्टर पढ़िएगा सबसे ज्यादा गुणा का यूज होगा, इसलिए इसको माइंड में एकदम रखिएगा, सही रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा एक और हम गुणा देते हैं, जैसे मान लीजिए 53 का गुणा मान लीजिए 42 से करना है, तो आप लोग नहीं बोलिएगा, ठीक है, हम एक बार रिकॉल करा दे, इकाई का गुणा इकाई से 3, स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 2 नजदीक का नजदीक से दूर का दूर से, तो बताइए 3 4 12, अब 5 2 10, 12 10 कितना 22, 22 का 2 हाथ में 2, दहाई अंक दहाई अंक 5 4 20, अब 20 2 कितना 22, तो ये गुना करना हम सिखाए थे, सिखाए थे ना। उसके बाद ध्यान दीजिए हम आपको एक और चीज सिखाए थे कि जैसे मान लीजिए कि अगर 3/8 हो और इसमें अगर 2/8 को जोड़ना हो, नीचे वाला जब सेम होता है तो जोड़ बहुत आसान होता है, बताइए नीचे कितना होगा 8, और 3 2 कितना 5, ये सब जानते हैं। जब कभी भी जोड़ना है तो हर समान होना चाहिए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, जोड़ का ये खासियत है। इसमें हम ये समझाए थे कि कहीं 3/7 है और +2/9 है, तो हम ये समझाए थे, ध्यान दीजिए नीचे अब की बार सेम है कि नहीं है, तो सेम बनाएंगे। अच्छा 7 को 9 को सेम बनाने के लिए ये 7 इसमें गुणा, और इसका 9 किसमें गुणा, इसमें गुणा, तो ऊपर भी 9 हो जाएगा और नीचे भी कितना 7। अगर डिनोमिनेटर में 7 से तो न्यूमरेटर में कितना 7 से, डिनोमिनेटर में 9 से माने हर में 9 से, नीचे अगर 9 से तो ऊपर कितना 9 से, करिएगा तो बताइए कितना हो जाएगा, नतीरी कितना जी 27, और 7 2 14, 27 14 कितना 41, और बटा में 7 9 कितना 63, ऐसे हम जोड़ते थे। इसी को हम शॉर्ट में बोले थे कि मेन तो ये डिटेल है, शॉर्ट में करने के लिए क्रॉस करिएगा, तो बताइए नतीरी कितना जी 27, 7 2 कितना 14,
27 और 14 जोड़ेंगे कितना 41 और ये 7 नवा कितना 63। तो डायरेक्ट हम ऐसे करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? एक जोड़ यहां पे हम दे रहे हैं 3/5 2/9 जोड़ सकते हैं। नतीरी कितना जी 27, 5 दुना कितना 10, बोलिए 37 डिवाइड बाई 9 पचे कितना, 9 पचे कितना जी 45। क्या क्लियर है? गुड। उसके बाद से हम कुछ जोड़ ऐसे कर रहे थे, 5×3/17 प्लस 9×5/17 और -2 पूर्णांक। मान लीजिए कि यहाँ पे 4/17 है सपोज। एक बात बताइएगा आप लोग, अच्छा ये 5 और प्लस 9 कितना 14, 5 और प्लस 9 कितना 14। दिख नहीं रहा ऑनलाइन में, एक सेकंड, आप लोगों को दिख रहा ना? नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर दें। अब वाइज लोग सही है ना इतना पे? हाँ ठीक, ओके। ओल्ड इज गोल्ड, नहीं समझे क्या बोले? बोर्डे सही है, ठीक है ना। ये टेक्नोलॉजी के चक्कर में हम लोग जो है ना धीरे धीरे गड़बड़ करते जा रहे हैं सब। अब बताइए इसमें से इतना मतलब रेडिएशन निकल रहा होगा, इतना रेडिएशन के मेरे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहा होगा, हमको दिन मतलब इसके सामने खड़ा रहना है। क्या लगा ले चिप? क्या चीज का चिप? रेडिएशन को कम करने के लिए। अच्छा थोड़ा सा रुकेंगे आप। हाँ चलने लगा, साफ चलने, हम ही नहीं दिख रहे हैं क्या? बस ठीक तो है, फिर अभी सही नहीं चल रहा था। हाँ देखिए आप लोग, तो हम इसको जोड़ना समझाए थे, ये समझाए थे कि कहीं 3.5 लिखना है ना, तो 3.5 का मतलब होता है 3 और प्लस आधा। तो हम ये समझाए थे कि यहाँ पे जोड़ होता है, यहाँ पे क्या होता है जोड़, यहाँ पे गुणा होता है कि जोड़। कुछ बच्चे ऐसे सॉल्व करते हैं ना बचपन में कि 2×3=6, 6×7 उनके माइंड में आने लगता है कि 2×3=6, 2×3 करते हैं हम लोग तो उनके दिमाग में गुणा आने लगता है, लेकिन गुणा नहीं, यहाँ पे क्या होता है जोड़। अगर आपको 5.5 लिखना है तो आप लोग कैसे लिखिएगा? लो 5×1/2 का मतलब 5 आधा, 5 और क्या चीज आधा। क्लियर है इतना? तो ये बेसिक चीज है, ये बताए थे हम। अब उसके बाद इसको जोड़ना। अच्छा बताइए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? प्लस। अब 5 और 9 कितना 14, और 14 में से 2 गया 12। यहाँ तो क्लियर है? अच्छा उसके बाद देखिएगा यहाँ पे नीचे में 17 17 17, तो नीचे में क्या लिखेंगे 17 लिखेंगे। आइए बताइए 3×5 कितना 8, 8 में 4 जुड़ेगा कि घटेगा? क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, हाँ कि ना? तो बताइए 3 और 5 कितना 8, 8 में से 4 गया 4, तो हम लोग का आंसर ये होगा, होगा कि नहीं होगा? आप लोग इस एग्जाम्पल से स्टार्ट करिए आज का क्लास, नोट करिए। हो गया है, लिखे आप? चलिए ओके फाइन, मिटा रहे हैं। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग बताइए, सब लोग बता पाएंगे? चलिए ओके। बना लीजिएगा इसको, एकदम इजी क्वेश्चन है, बनाइए सब लोग, बिल्कुल बेसिक है, बनाइए। सब लोग कॉपी में लिखेंगे अपने क्वेश्चन को और बनाइए।
हाँ चलिए देखिए बनाए, बताइए आंसर जल्दी। ठीक ओके। अच्छा एक बात बताइए, हम ऐसा करते हैं ना कि 33 में 29 को जोड़ना है और 31 को क्या करना है, घटाना है। तो हम 33 में से पहले 31 हटा ही लेते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा क्या। तो बताइए 33 में से अगर 31 जाएगा तो क्या बचेगा, दो। आइए बताइए जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, 29 और 2 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। गुड। अच्छा ये बताइए इसको इसको ऐड करना है, तो 5 और 3 कितना, 8। 8 में से 9 गया -1, अब बटा में कितना, 37। प्लस होता तो डायरेक्ट हम प्लस के माने, अगर प्लस में आता हम 31:1/37 लिख सकते थे, लेकिन ये बताइए प्लस में है कि माइनस में है, माइनस में। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद कल वाला क्लास करिए, कुछ ऐसा हम बताया था आपको, देखिएगा। एक में से अगर सब लोग ध्यान देंगे, एक में से अगर मान लीजिए कि अगर हमको 21/37 घटाना हो, तो घटाने का एक तरीका है कि 37 में से 21 घटाएंगे। लेकिन हम कल कुछ बोले थे ना जल्दी करने के लिए, डायरेक्ट आप इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 में से गया कितना, 6, और 3 में से 2 गया 1, और डिवाइड बाई कितना, 37। ऐसा बताए थे। अच्छा बताइए 1 में से अगर 2/5 घटाएंगे ना, तो डायरेक्ट 5 में से 2 घटा के हम 3/ क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ऐसा बताए थे, जो लोग कल क्लास छोड़े होंगे तो उनके भी हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, अच्छा कहीं मान लीजिए हमको 52 में से अगर 2/5 घटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे 51, इसको क्या मानेंगे, 51, तो 51 लिख लेंगे। अब बचा यहाँ पे कितना, 1। अब 1 में से 2/5 घटाने का मतलब है 5 में से 2 घटा के 3/ कितना लिखेंगे, 5। समझ पा रहे हैं? अब आ जाइए यहाँ पे, आप लोग ये देखिए जी, यहाँ पे आया है, यहाँ पे बताइए ये आया है कितना जी, 31। तो लिखेंगे कितना, 30। अरे लिखिएगा, जैसे आप 30 लिखे हाथ में, जैसे हम लोग 30 लिखे हैं तो हाथ में, अब 1 में से 1/37 तो क्या करिएगा, अगर 1 में से 1/37 घटाना है तो डायरेक्ट हम 37 में से 1 घटा देंगे, और डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 36/37। कितना लोग इतना आंसर लाए थे इतना आया था, और कितना लोग ये आंसर बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कितना लोग ज्यादा लोग हमको लगता है ये इसमें थे ना, तो माइनस प्लस छोड़ दिए थे आप लोग। चलिए ओके, नोट करिएगा। आंसर ये माइनस में आ रहा था, इसलिए मेरा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। हम एक बार और समझाते हैं, जल्दी नोट करिए। हाँ प्लस में आएगा तो नहीं करेंगे, प्लस में क्यों करेंगे, प्लस का मतलब तो वहां प्लस ही होता है, ठीक है। मुद्दा हो गया, इतना लिख लिया आप लोग। हाँ एक बार और समझिए तो इसको, सब लोग समझिए इसको फिर से ना। सब लोग देखेंगे जी, बात नहीं करिए। और देखिए सबसे पहले आप बताइए, यहाँ पे जो डाटा दिया है कुछ प्लस माइनस, तो 33 है यहाँ पे 31 है, तो 33 में से 31 घटाएंगे कितना, 2, अब 29 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। इतना है समझ में? अब बाटा में 37 है सब जगह ना, तो थोड़ा आसान है अभी। तो यह हो गया कितना जी, 37। अच्छा बताइए यहाँ 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 प्लस कितना, 5, अब माइनस में यहाँ पे माइनस में कितना, 9। क्या ऐसा लिख सकते हैं? अच्छा बताइए 31 और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 37। ऐसा लिखिएगा लो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 5 और 3 कितना, 8,
आठ में से नौ गया कितना, तो यहाँ पे माइनस आया है। जनरली यहाँ पे होता है क्या चीज, प्लस, लेकिन माइनस आने की वजह से हो गया क्या चीज, माइनस। तो क्या इसको हम ऐसे लिखेंगे बताइए लोग, ऐसे लिखेंगे 31 माइनस 1 बटा 37 लिखेंगे। अब इसी को पूरा अगर लंबा चौड़ा करके लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 30 प्लस कितना 1 और 1 बटा कितना 37। ये समझ में आया कि नहीं बोलिए, ये समझ में आया है। इसको आप कैसे करिएगा देखिएगा, इसको कैसे करिएगा, इसको हम बताए थे अभी करने के लिए, या कर लीजिए जैसे करना है। तो यहाँ पे तो 30 है अपने जगह पे, आइए 37 से कम कितना 37, आ एक घटेगा तो कितना 36, आ बटा कितना जी 37। अच्छा बताइए, ये आया है माइनस में कि प्लस में, प्लस में, तो प्लस का मतलब यहाँ प्लस होता ही है। अरे आया समझ में, हम थोड़ा ज्यादा लिख दिए, लेकिन इतना एग्जाम में नहीं लिखिएगा आप लोग, आप लोग ऐसे करिएगा। देखिए ये पोर्शन तो लिख दीजिए 31, और उसके बाद से जैसे देखिएगा कि 3 5 8 8 में से 9 गया कितना माइनस 1, तो माइनस 1 का मतलब डायरेक्ट यहाँ पे करिएगा कितना 30, एक हटा लीजिएगा, हाथ में कितना ले लिए 1, आ एक में सब कितना घटाना है आप लोगों को, एक में से एक बटा कितना घटाना है 37, क्योंकि माइनस एक आया था ना। 3 5 कितना, यहाँ 3 था, 3 5 कितना 8, आ 8 में से अगर 9 जाएगा तो कितना जाएगा माइनस 1, तो माइनस 1 बटा कितना 37, आ यहाँ 31 आया था तो हम 30 लिखे हैं, ये यहाँ दे दिए हैं। अब बताइए 37 में से एक गया कितना 36, अब बेटा कितना लिख देंगे 37। क्लियर है क्या? चलिए ओके, अब एक क्वेश्चन देते हैं उसको बताइएगा। ठीक, हम ऐसा दे रहे हैं आप लोगों को 99 प्लस 101, यहाँ पे है 2/5, तो सॉल्व करना है जी। कल हम इस टाइप का एक क्वेश्चन कराए थे, फिर छुट्टी हो गया था। बना लिए, बना लिए हैं कितना, हाँ ठीक है ओके, बनाए आप लोग। चलिए देखिए, अच्छा थोड़ा आराम से पहले समझिए, तो फिर हम पहले आराम से एक बार समझिए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ क्या चीज है प्लस है कि नहीं है, आइए यहाँ बताइए क्या चीज है प्लस। तो 101 में अगर हम 99 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 200, ये 200 तो मिल गया सीधा सीधा, इंटीजर है। अच्छा अब क्या क्या बचा है बताइए, 5 बटा कितना 9, और यहाँ 2 बटा कितना 5। इसका जोड़ने का तरीका पता आपको, कैसे जोड़िएगा बोलिए, 5 बटा 9 और प्लस 2 बटा 5 को जोड़ना होगा, तो कैसे जोड़ेंगे बोलिए लोग, 5 ठीक है ना, 5 पचे कितना जी 25, और 9 दुना 18, और 9 पचे 45, तो क्या लिखेंगे बोलिए, 18 में हम 25 जोड़ेंगे तो बोलिए कितना 43, और डिवाइड बाई कितना जी 45, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 43 अपॉन कितना जी 45, तो ये हो जाएगा ठीक है ना। हम डायरेक्ट एक बार में कर सकते हैं, 99 में 101 जोड़ेंगे कितना जी 200, और उसके बाद से बताइए 5 पचे कितना जी 25, और 9 दुना कितना 18, तो 25 में 18 जोड़ना है, तो 18 को 20 बना लीजिए, 18 को क्या बना लीजिए 20, 25 में से 2 निकाल कर 18 को दे दीजिए, तो 18 क्या बन गया 20, आप 25 कितना बन गया 23, आप 20 प्लस 23 कितना 43, 20 आप प्लस 23 कितना 43, 43, तो ये 43 हो गया, और नीचे में 9 5 कितना जी 45, क्या क्लियर है। अब देखिएगा कुछ हम यहाँ रख रहे हैं, उसको देखना है आप लोग को। जैसे मान लीजिए कि हम दे अगर 12 पूर्णांक 1 बटा 8 प्लस 3 पूर्णांक 3 बटा 6, 6 नहीं 3 है, तो यहाँ पे कुछ और दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ 5 है सपोज, प्लस यहाँ पे दे रहे हैं 19 पूर्णांक 1 बटा 12 माइनस, और यहाँ पे मान लीजिए हम दे दिए 2 पूर्णांक 1 बटा 6 दे दिए। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, लिखिए क्वेश्चन आप लोग सब लोग। हाँ यहाँ 5 दिए हैं, यहाँ क्या है 5, बनाइए सब लोग बनाइए।
क्या हो गया? क्या कितना लाए आप लोग? 32.7/8। वेरी गुड। चलिए देखिए, अच्छा आराम से समझिए आप सब लोग, बेसिक चीज है लेकिन हम चाहते हैं कि सब ये सब सिंप्लीफिकेशन में आता है। आप जाइएगा कोई भी एग्जाम में तो सिंप्लीफिकेशन सब चीज क्लियर होना चाहिए, तब जाके बना पाइएगा। ये नहीं कि डायरेक्ट जो है परसेंटेज से स्टार्ट कर ले या नंबर सिस्टम में स्टार्ट कर ले, ये सब चीज में फिर आपको टाइम लगने लगेगा, तो थोड़ा इसको भी हम टाइम दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मेरे तरफ देखना है, इधर देखना है, 12 और 3 कितना 15, आप 15 में 19 जोड़ना है। सुनिए आराम से, हम मेरा सुनिए, 12 3 15 हुआ है 19 है, तो 19 को एक हम दे दिए 20 बन गया, अब 20 में उधर 15 था ये वो दिए हैं तो उधर कितना है 14। ये बात आ रही है समझ में? अरे यार 12 3 कितना 15, अब 19 जोड़ना है तो 19 को एक दे दिया कितना बन गया 20, और उधर कितना 14 34। अरे हाँ कि ना, 20 और 14 कितना 34, और 34 में ये दो जोड़ना है कि घटाना है? घटाना है, तो बताइए कितना लिखेंगे 32, तो ये हो जाएगा जी 32, ठीक है, तो यानी इज इक्वल टू 32 आ रहा है। उसके बाद मेरा टारगेट है इस पे, इसको 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 और इसको हमको सॉल्व करना है। अब एक बात बताइए, यहाँ नीचे हर अगर सेम होता ना तभी तक हम जोड़ दिए रहते, अरे जोड़ दिए रहते कि नहीं? क्या हर सेम है? नहीं है, क्लियर। अच्छा अगर दो वो केवल होता तो 6 × 6 = 8, 5 = 40 करके जोड़ दिए रहते, तो दो है कि यहाँ बहुत है? बहुत है। तो जब बहुत आने लगेगा तो थोड़ा आराम से करेंगे हम, पहले हर को सेम बनाएंगे, सेम बनाएंगे, तो 8, 6, 12, 6 के पहाड़ा में आप लोग बताइए कि क्या है 24, 24 है कि नहीं है? 8 के पहाड़ा में भी 8 × 3 = 24 है, 6 के पहाड़ा में 6 × 4 क्या है 24 है, 12 × 2 क्या है 24 है, 6 × 4 क्या है 24 है। तो 24 एक ऐसा फैक्टर है ना, 24 एक ऐसा नंबर है जो इस सबके कॉमन है, जिसको हम आगे चल के LCM कहेंगे, जिसको क्या कहेंगे LCM। तो आप लोग बताइए 24 बनाने के लिए 3 से गुणा ऊपर नीचे, अरे हाँ, अगर हम नीचे 3 से गुणा तो ऊपर कितना से करेंगे 3 से, बताइए यहाँ कितना से करेंगे, बोलिए लो 4 से करेंगे, आई यहाँ बोलिए लो 2 से करेंगे क्या, आई यहाँ हमको 24 बनाना है तो गुणे कितना 4 और गुणे कितना 4। अब एक बात बताना, नीचे कितना जी 24, 24 24 24 24, तो नीचे कितना 24। अब एक बात बताइए आप, यहाँ पे कितना है 3 है, और यहाँ कितना है 20, 20 3 कितना 23, और 23 में 2 जोड़िए कितना 25, और 25 में घटाना है कि जोड़ना है, माइनस है तो घटाना है कि जोड़ना है, घटाना है, तो 25 में से 4 गया कितना 21, तो यहाँ पे कितना आ गया 21। अब एक बात समझना आपको, सुनिए ये कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, 3 से कटेगा कितना बार में 7 बार में, 3 से कटेगा 8 बार में, तो मेरा जो आंसर होगा 32 = 7/8 कितना 8, 32.7/8 आंसर होगा, नोट कीजिएगा। एक चीज हम ये भी समझे यहाँ पे कि यहाँ पे जो आएगा उसको डायरेक्ट हम कटा सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा तो डायरेक्ट कटा लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या यहां तक क्लियर है? चलिए ओके। तो जब कभी भी डिफरेंट रहेगा तो पहले सेम बनाएंगे हर को और उसके बाद आराम से जोड़ेंगे, ठीक है ना। और जो पूर्णांक में होगा वो तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा, ठीक है, माइनस रहेगा तो घटेगा, जहां जहां प्लस रहेगा जोड़ेंगे, माइनस वाला क्या करेंगे घटा लेंगे। ये हो गया है ना। अब चलिए ध्यान दीजिए, हम कुछ यहाँ पे चीज समझा रहे हैं उसको सब लोग देखेंगे जी। चलिए ओके, हम यहाँ पे आप लोग जो है ना अभी लिखिएगा नहीं, लिखने के लिए हम अलग से समय देंगे, थोड़ा सा शुरुआत सही होना चाहिए हम लोग का, बेसिक हम चाहते हैं कि एकदम क्लियर करिए शुरू वाला, जोड़ घटाओ गुणा भाग एकदम तेज करेंगे आगे चलकर। देखिए अगर हम बोलेंगे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आप लोग जानते हैं क्या,
भाई नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृत संख्या होती है क्या? प्राकृत संख्या होती है। अच्छा बताइए प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? जीरो से कि वन से? वन से। इसको हम बोलते हैं क्या चीज? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इंड करता है एन पर। प्राकृत संख्या इंड करता है कहां पे? एन पर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद से हम यहां पे लिख रहे हैं इवन नंबर। क्या लिख रहे हैं जी? इवन नंबर। अच्छा इवन नंबर माने आप जानते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्या। डेफिनेशन जानते हैं आप लोग? बताइए क्या डेफिनेशन होती है सम संख्या किसे कहते हैं? हाँ, जिस संख्या में दो से भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? सम कहते हैं। कहते हैं क्या? ऑड नंबर किसे कहते हैं? विषम। जिसमें तीन से भाग लगती है उसे विषम कहते हैं। ऐसा नहीं होता है क्या? होता है। हाँ, जिसमें जिसमें दो से भाग लगती है उसे सम, और जिसमें नहीं लगती है उसे विषम। ये नहीं कि जिसमें दो से भाग लगती है सम और जिसमें तीन से लगेगी वो विषम। ऐसा नहीं, नहीं लगी तो क्या होगा? विषम। तो एक बात बताइए, पहला आपको इवन नंबर बताना है, दो चार छः आठ डैश डैश टू एन, डैश डैश लास्ट कहां करेगा? टू एन। अगर एन बराबर हम वन रखेंगे, एन बराबर वन रखिएगा तो एन बराबर वन रखिएगा तो टू इंटू वन क्या मिलेगा? दो। दो रखेंगे तो दो दूना क्या मिलेगा? चार। तीन रखेंगे तो तीन दूना छः। समझ पा रहे हैं? अच्छा एन बराबर वन रखेंगे तो क्या मिलेगा? वन। दो रखेंगे तो दो, तीन रखेंगे तो तीन। अब हम यहां पे लिखने जा रहे हैं ऑड नंबर। क्या लिख रहे हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब होता है सम की विषम, विषम। तब विषम संख्या, विषम संख्या जिसमें दो से भाग नहीं लगते उसे क्या कहते हैं? विषम। पहला विषम संख्या कितना? वन। एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच। अच्छा लास्ट में हम लिख रहे हैं टू एन माइनस क्या चीज? वन। एन का वैल्यू वन रखिए आप लोग, बताइए क्या मिलेगा? एन बराबर वन रखिएगा तो दो एकम कितना? दो। दो में से एक गया, एक। दो रखिएगा बाबू तो दो दूना चार, चार में से एक गया तीन। तीन रखिएगा तीन दूना छ, छ में से एक गया कितना? पांच। तो बताइए जो हो गया ऑड नंबर का फॉर्मूला है, ये इवन नंबर है, ये क्या चीज है? नेचुरल नंबर। ये क्लियर है? अच्छा इवन का मतलब है यहां पे हम लिख रहे हैं जिसमें जिसमें दो से क्या हो जाए? भाग लग जाए। तो जिसमें दो से भाग लग जाए, दो से भाग लग जाए, और जिसमें नहीं लगे, यहाँ पे नहीं लगे उसको, और जिसमें नहीं लगेगा उसे क्या कहते हैं? और बस एक बार नोट कीजिएगा आप लोग, जल्दी नोट करिए। आप लोग बताइए दस क्या है? आइएगा आ रहा और है, गुड। तो इवन नंबर का अंतिम टर्म क्या होता है? 2n। नेचुरल नंबर का अंतिम टर्म क्या होता है? n। और ऑड नंबर का क्या लिखना है? 2n माइनस वन। ये चीज माइंड में रखना है आप लोगों को। क्या यहां तक हो गया? चलिए अब देखिएगा सब लोग। एन प्लस वन भी हो सकता है, आगे बताएंगे। जैसे एन क्या होता है? नेचुरल। टू एन क्या होता है? इवन। और टू एन में एक जोड़ेंगे तो भी मिलेगा क्या चीज? और एक हटाएंगे तो भी मिलेगा क्या चीज? और। लेकिन इस फॉर्मूला में अगर हम एन का वैल्यू रखें तो एक से स्टार्ट होना चाहिए, समझ रहे ना आप लोग? तो एक रखिएगा तो यहाँ क्या मिलेगा? दो एकम दो, और दो में से क्या कितना? वन मिल जाएगा। वहीं अगर हम प्लस लेके चलेंगे तो और मिलेगा, लेकिन एक आगे से स्टार्ट होगा। एक रखिएगा तो दो एकम कितना? दो, और दो और एक कितना? तीन। तो तीन से स्टार्ट हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो इसीलिए सबको कवर करने के लिए ये बेटर माना जाता है। ये भी ऑड ही होता है प्लस वाला, लेकिन एक छूटता है, तो इसलिए माइनस लेके चल रहे हैं। क्लियर है यहां तक?
चलिए आप देखिएगा, तो बताइए एन क्या है? नेचुरल नंबर। टू एन क्या है बोलिए? इवन नंबर। और टू एन माइनस वन क्या है? ऑड नंबर। यहां तक क्लियर है? अब एक बात बताना आप लोगों को, जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक से एक कोमा दो कोमा तीन से लेकर अगर हम लिखे 20 तक, तो यहां पूछे कि एन का वैल्यू कितना है? अरे बोले एन का वैल्यू कितना है? 20। यानी नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू 20 है। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर यहां पे कितना है? 20 है। ये समझ में आ रहा है? ये तो आसान है, लेकिन अगर हम यहां बोले कि मान लीजिए हम दो चार छह लिख रहे हैं डैश डैश, मान लीजिए हम यहां पे 20 लिखे, अब हम बोले कि एन का वैल्यू बताइए कितना। अच्छा ये एन का वैल्यू है कि टू एन का है? बोलिए टू एन का है। तो टू एन बराबर कितना? 20। तो एन बराबर 20 बटा 2 माने कितना? 10। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कितनी सम संख्या है, तो 10 गो है। कितना है? 10 गो है, क्योंकि दो चार एक को छोड़ रहे हैं, तो 20 तक जा रहे हैं, तो कितना होगा? 10 होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मान लीजिए हम ऐसे लिखे कि 1, 3, 5 लिखे और डैश डैश मान लीजिए हम 19 तक है, हम बोले कि एन का वैल्यू बताना है। तो एक बात, ये किसका वैल्यू होता है? 2n-1 होता है ना जी। तो 2n-1 बराबर कितना? 19। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 20 बटा कितना? 2। यानी कितना हो जाएगा? 10। हम ऐसा एग्जाम्पल दिए कि तीनों में 10 10, इसमें तो 20 है, दोनों में कितना आया? 10। मेरे कहने का मतलब है ना कि अगर हम लोग को ऑड नंबर में टर्म काउंट करना है। अच्छा ये बताइए एन है कि 2n-1 है? बोलना ये एन है कि 2n-1 है? 2n-1 है। ये चीज क्लियर है ना? हाँ, इसको भले हम बोलना होगा तो एल बोल सकते हैं। एल में एन में अंतर है। एल का मतलब लास्ट टर्म। कहीं भी एल हम लिखेंगे मैथ में, या मैथ में एल देखिएगा तो क्या समझिएगा? लास्ट टर्म। आ एन कहीं लिखा होगा तो क्या समझिएगा? एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, माने कि पदों की संख्या। एन का मतलब क्या चीज? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। जैसे यहां पे इसको हम बोलेंगे एल, तो समझिएगा कि लास्ट टर्म 19 है। अगर मान लीजिए कि हम बोले कि क्या ये एन है, माने नंबर ऑफ टर्म है? नहीं है, नंबर ऑफ टर्म 19 नहीं है। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम समझेंगे कि एल का वैल्यू यहाँ 2n-1 होता है, तो 2n-1 के हिसाब से अगर 19 लिखेंगे ना, तो 19 में एक जोड़ का आधा कर देना है, तो 19 में ये एक हमेशा उधर जाएगा और ये दो क्या होगा? नीचे आएगा। तो हमेशा एक जोड़ के क्या करेंगे? आधा। तो यानी कि यहाँ नंबर ऑफ टर्म यहाँ निकालेंगे तो 19 × 20, 20 का आधा कितना? 10। यानी नंबर ऑफ टर्म कितना है? 10 है। अरे है कि नहीं है? अच्छा ये बताइए ये क्या है? ये एन है कि एल है? एल है। एल माने? एल माने लास्ट टर्म, और एन माने नंबर ऑफ टर्म। तो आप बताइए 20 है तो क्या नंबर ऑफ टर्म 20 है कि लास्ट टर्म 20 है? और नंबर ऑफ टर्म कितना है? इसका आधा। इवन रहेगा तो आधा कितना? 10। यानी यहाँ काउंट किया जाएगा तो 10 गो टर्म है। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो काउंट करेंगे तो कितना? 10 टर्म है, लेकिन लास्ट टर्म कौन सा है? 20 है। क्लियर कट समझ में आ रहा है? तो एल में एन में डिफरेंस है कि नहीं है? तो ये डिफरेंस को समझना, थोड़ा नोट करिएगा एग्जाम्पल ये, ठीक है ना? जल्दी नोट करिए। एक से लेके 20 तक में तो सिंपल है, नेचुरल नंबर है, तो एन का वैल्यू 20 है, वहां नंबर ऑफ टर्म भी 20 है। 2, 4, 6 में जो 20 है वो लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म 2n होता है, तो 2n का वैल्यू 20 है, तो n का वैल्यू 20 का आधा करना पड़ेगा इवन में हमेशा। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म। और तीसरा एग्जांपल है 1, 3, 5 से लेकर 19 तक गए हैं, तो 19 लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म होता है 2n-1 = 19, तो n निकाले हैं तो 19 में एक जोड़ के आधा करना पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए एक बात समझिए, यहां तक क्लियर है ना? सुनिए एक चीज समझना है सब लोग को। अच्छा अगर हम एन लिखेंगे या एल लिखेंगे तो दोनों सेम है, दोनों में अंतर है? एन का मतलब है क्या होता है? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है लास्ट टर्म। इसका मतलब क्या है? लास्ट टर्म। तो दोनों में अंतर है कि दोनों सेम है? दोनों में अंतर है ना? तो जहां भी एल लिखेंगे तो लास्ट समझिएगा, एन लिखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म समझिएगा। क्लियर है क्या? जिसको लिखना होगा लिखते जाइएगा अपना। हम आगे बढ़ेंगे, अब मेन कंसेप्ट पे आएंगे।
अब देखिएगा हम कुछ लिख रहे हैं, जल्दी से इसको लिखिए आप लोग, इतना हो गया है। सुनिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, सब लोग आंसर बताना है, बताएंगे क्या? देखिएगा जी, 2, 4, 6, 100 तक लिखे हैं, तो बताएं एल का मान कितना? एल कितना? एल का वैल्यू 100, एल का वैल्यू 100। अच्छा अब बताना आपको एन का वैल्यू, एल बाई टू यानी कितना जी? 50। ये क्लियर है क्या? वेरी गुड। अच्छा बताना आप लोगों को, 1, 3, 5 से लेकर हम 99 तक मान लीजिए जा रहे हैं, अब बताइए एल का वैल्यू कितना? एल माने लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना है? 99। आप लोगों को अगर बताना है एन तो क्या करिएगा? एल प्लस 1/2, इसलिए कि ये जो लास्ट टर्म होता है ना, लास्ट टर्म क्या होता है? 2n-1। ऑड में लास्ट टर्म क्या होता है? 2n-1। तो एन निकालिएगा तो जाके जुड़ेगा, तो एल प्लस 1/2। अरे आ रहा समझ में? तो 99 में एक जोड़ेंगे, आधा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 50। ये नोट नहीं करना था, बस हम समझा रहे थे। अब बताइए आप लोग, 1, 3 से लेके अगर हम 39 तक लिखेंगे तो आप लोग बताइए एल का वैल्यू कितना? 39। एन का वैल्यू 39 + 1/2 यानी कितना जी? 20। क्या यहां तक क्लियर है? अब ध्यान देना आप लोग को, सुनिए हम 9 फॉर्मूला यहाँ पे आपको देने जा रहे हैं, जोड़ करने के लिए, एड करने के लिए, जिसको सही से समझना है। हम सबसे पहले यहां पे लिख रहे हैं, पहला 3 फॉर्मूला लिखेंगे हम पावर 1 में, अगला 3 फॉर्मूला हम देंगे पावर 2 में, और अगला 3 फॉर्मूला हम देंगे पावर 3 में। पहला 3 फॉर्मूला देंगे हम पावर 1 में, ठीक है ना? एक पहला फॉर्मूला नेचुरल नंबर के लिए, दूसरा इवेन के लिए, और तीसरा ऑड के लिए। समझ पा रहे हैं क्या? अगला 3 फॉर्मूला हम देंगे स्क्वायर में, एक नेचुरल के लिए, एक तो इवेन के लिए, एक तो अगला 3 फॉर्मूला पावर क्यूब में, एक नेचुरल के लिए, एक इवेन के लिए और एक ऑड के लिए। पैटर्न समझ में आया? तो कहां से स्टार्ट करें? पावर 1 से। तो हम यहां पे लिख रहे हैं पावर 1, यहां पे क्या लिख रहे हैं बाबू? पावर 1। अब पावर 1 में पहला फॉर्मूला बताइए किसके लिए? नेचुरल नंबर के लिए। ये पढ़ाए थे, जानते भी हैं सब लोग। बताइए पावर 1 यहां पे 1 के पावर 1 है कि क्या है? तो यहाँ पावर सब जगह 1 है ना जी, एन तक आ रहे हैं, क्या फॉर्मूला होगा? n(n+1)/2। सब लोग जानते हैं, गुड। अच्छा बताइए पावर 1 ये क्या था? नेचुरल नंबर, हम नेचुरल चलिए नेचुरल, समझ गए क्या? अच्छा दूसरा हम फॉर्मूला यहाँ लिखने जा रहे हैं, देखिएगा अब हम दूसरा हम लिखने जा रहे हैं इवेन के लिए। किसके लिए? इवेन के लिए। तो यहाँ इवेन हम कर रहे हैं, इवेन तो बताए 2 + 4 + 6। अच्छा लास्ट में क्या लिखेंगे? 2n। अब बताइए इसमें सेकेंड वाले फॉर्मूला में लास्ट टर्म कितना है? 2n, और नंबर ऑफ टर्म कितना है? इसका आधा। अरे हाँ कि ना? तो नंबर ऑफ टर्म l/2, पढ़ाए थे अभी। अरे 20 तक जा रहा था तो 20 का आधा कर रहे थे, तो लास्ट टर्म कितना? 2n। लेकिन अगर हम बोले कि नंबर ऑफ टर्म बताइए तो एन। इसमें पूछा जाए कि पदों की संख्या कितना है तो एन वो है। सुनिए अच्छा अभी कितना पद? 1, यहां तक आएंगे तो 2, और यहां तक तो लिख रहे हैं 6, लेकिन पद कितना है? 3, क्योंकि 6 का आधा कितना? 3। समझ रहे हैं आप लोग? तो जाएंगे अगर 2n तक तो लास्ट टर्म भले 2n है लेकिन पदों की संख्या कितना है? एन है। नंबर ऑफ टर्म कितना है? एन है। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, एल का मतलब है लास्ट टर्म। तो ये एन का मतलब क्या है? एन टर्म, यहाँ पे भी एन टर्म। अरे आ रहा समझ में? और 2n का मतलब क्या है? लास्ट टर्म, और एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है? एन गो। अरे आ रहा समझ में? और लास्ट टर्म कितना है? 2n। इसके लिए फॉर्मूला के लिए सुनिए तो आप बेसिक समझिए, अगर हम यहां से 2 कॉमन ले लें, सब जगह से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1, यहां क्या बचेगा? 2, यहां 3, यहां n, बचेगा क्या? 1 से लेके n तक बच जाएगा, 1 से लेके n का फॉर्मूला होता है n(n+1)/2, आएगा 2 कॉमन लिए थे, 2 कटेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला n(n+1)। ये क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, अगर सारे नेचुरल नंबर में से अगर इवेन को घटा देंगे ना, घर पे जाके घटा सकते हैं आप, तो मिल जाएगा क्या चीज? ऑड। तीसरा फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं किसके लिए? ऑड के लिए।
ऑड में बताइए, एक प्लस कितना तीन, प्लस कितना पांच, अब प्लस लास्ट में बोलिए टू एन माइनस कितना वन। अच्छा एक बात बताइए, इसमें लास्ट टर्म कितना है टू एन माइनस वन, और नंबर ऑफ टर्म कितना है एन, नंबर ऑफ टर्म कितना है एन, क्योंकि इसमें हम एक जोड़ेंगे तो एक कटेगा, टू एन में एन से भाग देंगे, दो से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, अरे आएगा। तो इसका फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ए एन स्क्वायर। अच्छा हम एल स्क्वायर लिख रहे हैं कि एन स्क्वायर, हम यहाँ एन स्क्वायर लिखे हैं कि एल स्क्वायर, एन स्क्वायर एन का मतलब, तो क्या लास्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर करेंगे, नंबर ऑफ टर्म का। एक बात समझिए आप लोग, इसको बाद में नोट कीजिएगा। अच्छा मान लीजिए कि एक प्लस तीन बराबर कितना चार, चार का मतलब दो स्क्वायर, एक प्लस तीन प्लस पांच का मतलब कितना नौ, नौ का मतलब कितना तीन स्क्वायर। अच्छा एक प्लस तीन प्लस पांच प्लस कितना सात का मतलब कितना सोलह, सोलह का मतलब कितना चार स्क्वायर। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, अगर दो गो और है, एक गो एक गो और दो गो, तो दो गो है तो दो स्क्वायर चार। अच्छा तीन का स्क्वायर आंसर हो रहा है कि दो का स्क्वायर। अच्छा लास्ट टर्म कितना, तो तीन का स्क्वायर नौ हो रहा है कि एक एक दो का स्क्वायर चार हो रहा है। तो बताइए फॉर्मूला में एन स्क्वायर आ रहा है कि एल स्क्वायर आ रहा है, फॉर्मूला एन स्क्वायर होता है, एल एल का मतलब लास्ट टर्म। तो क्या लास्ट टर्म का स्क्वायर हो रहा है कि नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, पहला और एक, एक के बाद से तीन, तीन के बाद से कितना पांच, तो एक तीन पांच जोड़िएगा तो क्या मिलेगा नौ, किसका स्क्वायर है तीन स्क्वायर। अच्छा पांच का स्क्वायर आंसर हो रहा है, क्या लास्ट टर्म का स्क्वायर हो रहा है, नहीं ये हो रहा है एक गो दो गो तीन गो, तीन गो टर्म है तो एन का वैल्यू तीन, तीन का स्क्वायर कितना नौ। वैसे ही एक दो तीन चार, एक टर्म दो टर्म तीन चार, चार का स्क्वायर कितना सोलह। नहीं समझ रहे तो बताइए ऑड टर्म के लिए। अच्छा सुनिए, में अब की बार एक प्री में क्वेश्चन दिया था, अभी जून जून 2021 में परीक्षा हुआ था अभी प्री का, तो उसमें क्वेश्चन एक ऐसे दिया था कि प्रथम क्या दिया था, प्रथम प्रथम 25 ऑड नंबर का सम निकाले, फर्स्ट 25 जो ऑड नंबर है उसका क्या निकालना है सम, माने 25 ठो एन का वैल्यू दिया 25 को कि एक तीन से लेकर 25 को अगर ऑड नंबर लेंगे तो उसका सम क्या होगा, किस स्क्वायर होगा। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग, सारा मेहनत पे पानी फेर देते हैं जी। बताइए एन स्क्वायर कितना, एन स्क्वायर आंसर होगा, ऑड के केस में एन स्क्वायर ना, तो प्रथम 25 माने शुरू से 25 को जो ऑड नंबर है उसका सम क्या होगा, तो 25 से स्क्वायर हो जाएगा। अब 2016 में वो क्वेश्चन मेंस में दिया था कि प्रथम 25, प्रथम 25 ऑड नंबर का एवरेज निकाले। एक बात बताए, एवरेज का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, बचपन में पढ़े हैं सम बटा आइटम्स, यानी सम और सम में हम नंबर से भाग देते हैं। तो आप बताइए 25 गो प्रथम 25 गो ऑड का सम क्या होता है बताइए, 25 स्क्वायर, अरे होगा। और संख्या कितना है 25 गो, तो 25 गो तो कट जाएगा, तो आंसर कितना है जी 25। नहीं समझ रहे हैं, तो बेसिक को क्लियर रखेंगे तो एवरेज में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। तो बेसिक इसलिए अच्छे से थोड़ा करना हम लोगों को, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है, एक काम करिए ना, पहले तीनों फॉर्मूला लिखिए। अच्छा तीनों फॉर्मूला पावर एक में है कि पावर दो में है, देखिए सब जगह पावर एक है जी, स्क्वायर कहीं नहीं आया, स्क्वायर कहीं नहीं आया, स्क्वायर कहीं नहीं आया। तेज लिखिए, यहां तक हो गया। तो बताइए एक से लेकर एन तक का योग क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू,
टू फोर सिक्स से टू एन तक जाएंगे तो क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन, बटा वाला टू गायब। अरे हाँ कि ना, दो कट जाएगा, कैंसिल आउट होगा, होगा कि नहीं होगा। आ एक तीन पांच से लेकर टू एन माइनस वन तक जाएंगे तो क्या आंसर होगा, एन स्क्वायर। क्लियर है क्या? चलो ओके, अब हम मिटा रहे हैं। पहला फॉर्मूला किसके लिए, नेचुरल के लिए, दूसरा क्या है इवन, तीसरा क्या है ऑड। यहां तक क्लियर है ना? चलिए देखिएगा, हम यहां लिख रहे हैं पावर टू। क्या लिख रहे हैं बाबू लोग? पावर टू। देखना है आप सबको, एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर डैश 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 एन स्क्वायर। एक बात बताइएगा, ये जो लिखे हैं ये नेचुरल के लिए है कि नहीं है? प्राकृत संख्या, नेचुरल माने प्राकृत संख्या ना, तो बताइए क्या फॉर्मूला जानते होंगे, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। सब लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जानना भी है, नोट करते चलिए। तो पहला नोट कीजिए, एक स्क्वायर दो स्क्वायर तीन स्क्वायर से एन स्क्वायर लिखिएगा, तो एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। ये चौथा नंबर फॉर्मूला है। पांचवा हम लिख रहे हैं इवन के लिए, छठा लिखेंगे ऑड के लिए। पावर टू में तो बताना है, पावर इवन का फॉर्मूला, इवन में क्या क्या आएगा बोल रही है, दो स्क्वायर कितना जी चार स्क्वायर गुणे की प्लस छह स्क्वायर डैश डैश लास्ट में क्या होगा टू एन स्क्वायर। क्या हो गया है? चलिए देखिए, अच्छा एक बात समझो, समझिए, देखिए पेन चलाना बंद करिए अब थोड़ा सा। देखिए जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वही यहाँ पे लिखना है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू बोलिए टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, और इसमें चार से गुणा करना है। कितना से गुणा करना है? चार से। एक बात समझिए, अगर यहाँ दो स्क्वायर में से हम दो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो चार कॉमन, अगर दो स्क्वायर में से दो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना चार कॉमन, बचेगा एक स्क्वायर। अच्छा चार का मतलब है दो गुणे दो, देखिएगा आप लोग भी, चार का मतलब क्या है दो गुणे दो, तो दो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या चीज, दो स्क्वायर। छह का मतलब है दो गुणे कितना तीन, दो गुणे तीन है जी। अच्छा अगर दो स्क्वायर चार कॉमन ले चुके हैं तो बचेगा कितना तीन स्क्वायर। तो जैसे आप सभी लोग दो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे अर्थात चार कॉमन ले लेंगे तो यहां बचा होगा वन स्क्वायर, यहां बचेगा दो स्क्वायर, यहां बचेगा तीन स्क्वायर, यहां टू एन में से दो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एन स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, तो दो स्क्वायर कितना चार, अब बचा होगा एक स्क्वायर दो स्क्वायर तीन स्क्वायर एन स्क्वायर, एक स्क्वायर से एन स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है कि नहीं होता है, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। नोट कीजिएगा जल्दी, हो गया है यहां तक। चलिए ओके, नेक्स्ट देखिएगा। अब हम अच्छा, अब इवन ले कि ऑड ले? गुड, ऑड। ऑड में बताइए पहला, आप ही लोग बोलिए क्या ले, बोलिए जी एक क्यूब प्लस बोलिए तीन क्यूब अच्छा स्क्वायर चल रहा ओके पांच स्क्वायर। अच्छा लास्ट में क्या लिखिएगा टू एन का स्क्वायर, ठीक है ना? अच्छा ओके हाँ टू एन माइनस वन, हाँ ओके गुड, टू एन माइनस वन का स्क्वायर ऑड ले रहे हैं हम लोग। तो देखिए इसके लिए क्या करना, आपको सुनिए हम तरीका बता रहे हैं, इसके लिए क्या करना है ना आपको, एन लेना है यहाँ पे जितना। अच्छा एन क्या है, लास्ट टर्म है कि नंबर ऑफ टर्म है? जितना फॉर्मूला हम लिख रहे हैं सब लास्ट टर्म के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म के टर्म है। लास्ट देगा भी तो नंबर ऑफ टर्म पहले निकालेंगे तब एन का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तब सही होगा। और उसके बाद से यहाँ फोर एन स्क्वायर लेना है, माइनस वन कर देना है, डिवाइड बाई यहाँ पे डिवाइड बाई जो होता है थ्री कर देना है, एन इंटू फोर एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई क्या करना है थ्री। देखिए एक्चुअली ना सभी नेचुरल नंबर के स्क्वायर में से इवन नंबर को घटा दिया जाएगा ना, एक स्क्वायर दो स्क्वायर तीन स्क्वायर चार स्क्वायर पांच स्क्वायर में से अगर दो स्क्वायर चार स्क्वायर छह स्क्वायर ये इवन वाला घटा देंगे ना तो ये सब आ जाएगा एक स्क्वायर तीन स्क्वायर पांच स्क्वायर क्या ऑड वाला आ जाएगा। अरे यार समझ में, तो वो हम सब चीज बैठा के हम खुद प्रूफ किए हुए हैं, आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, हम खुद हर चीज प्रूफ करके बढ़िया से हर चीज करके देंगे, जहां जरूरत होगा वहां प्रूफ भी बताएंगे, ठीक है ना?
प्रूफ की यहाँ जरूरत नहीं है, हल्का हम हिंट कर दे रहे हैं वो अलग बात है कि एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, चार स्क्वायर में से दो स्क्वायर, चार स्क्वायर, छह स्क्वायर घटने लगेगा तो ऑड स्क्वायर मिलेगा कि नहीं बताइए। एक तीन पांच नहीं मिलेगा, लेकिन अब घर पे उतना मेहनत नहीं करने की जरूरत है। मेन चीज को पढ़ना है, जो हम बता रहे वो पढ़िए, जीएस पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, मैथ में क्वेश्चन ना छूटेगा, ठीक है ना। तो बताइए इसके लिए क्या फॉर्मूला, एन इंटू फोर एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई थ्री, नोट कीजिएगा आप लोग जल्दी, क्वेश्चन कल के डेट में जाइएगा तो आ जाएगा ऐसे करके कि प्रथम दस ऑड नंबर के वर्गों का योग निकालिए। क्या करना है, प्रथम टेन जो ऑड नंबर है उसके स्क्वायर का क्या निकालिए, योग निकालिए, माने एक स्क्वायर, तीन स्क्वायर, पांच स्क्वायर से लेकर प्रथम दस गो, तो एन का वैल्यू कितना है, दस है, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, दस, दस का स्क्वायर कितना, सौ, चार सौ में से गए 399, और 399 में 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 133, 133 में 10 से गुणा कर देंगे 1330 आंसर हो जाएगा। अरे आ रहे समझ में, चलिए ओके। तो ये हो गया पावर टू में, पावर टू में देखिए सब आपको याद रहेगा, एक आप भूल जाइएगा, कौन सा भूलिएगा, ऑड वाला, खतरनाक कौन है, ऑड वाला, इवन वाला इजी है, क्या कि नेचुरल याद रहेगा तो चार कॉमन ले लेगा, तो नेचुरल का फॉर्मूला क्या हो रहा था, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, भाई पीछे टोपी वाले लोग याद समझ में आ रहा है, बताइएगा एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, एन स्क्वायर तक जोड़िएगा लो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स बनेगा जी। पीछे में जो लाल टोपी पहने हैं एकदम कोना में बैठे हैं, बनेगा इतना फॉर्मूला याद रखना बहुत काम का है, नहीं याद रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा आप बताइए इवन में क्या होगा, दो स्क्वायर, चार स्क्वायर, छह स्क्वायर में दो स्क्वायर, चार कॉमन, अब बाकी सब अंदर आ जाएगा ना, अब उसका क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई क्या होगा, तो बस चार गुणा हो गया, वही ऊपर वाला फॉर्मूला में चार गुणा हो गया। अब तीसरा भूल जाइएगा, कौन तीसरा है बताइए लोग, एक स्क्वायर, तीन स्क्वायर, पांच स्क्वायर ऑड वाला, तो ऑड का फॉर्मूला क्या, हाँ एन इंटू फोर एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई थ्री, तो इसको भूल जाइएगा, तो किसको भूल जाइएगा, ऑड वाला, ऑड में क्या फॉर्मूला है, एन इंटू फोर एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई, तो इसको भूल जाइएगा, किसको, हाँ जिसको, बाकी सबको ध्यान में नहीं रखना है, बस एक चीज को ध्यान में रखना है कि किसको भूल जाइएगा, हाँ तो किसको भूलिएगा, एन इंटू फोर एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई थ्री, इसी को भूलिएगा, रास्ता बस सोचते हुए जाना है कि हम किसको भूल जाएंगे, बात आ रहा समझ में, बाकी सब अपने आप याद रहेगा। तो ठीक है टाइम हो गया, कुछ क्लास रहता है हमको छोड़ना पड़ेगा, अगला तीन फॉर्मूला कल हम बताएंगे, ठीक है ना, क्यूब वाला पावर में तीन वाला फॉर्मूला बताएंगे, कल इस पे क्वेश्चन कराएंगे, आप बैठे रहिए, आप बैठ जाइए, बैठिए, बैठ जाइए, कल सुनिए, हाँ कल शनिवार है ना, हाँ तो आप लोग सोमवार, बैठ जाइए ना बाबू दो मिनट, सोमवार को क्लास होगा, ठीक है, स्टूल अपना लेकर निकलिएगा, स्टूल अपना ले, आप बैठे रहिए, बेंच वाले लोग बैठे रहिए, बेंच वाले लोग नहीं, ऐ आप लोग साइड में बैठे रहिए, बदमाशी नहीं, दो मिनट बैठ जाइए, जब चलिए आप लोग निकलिए, गर्ल्स निकलिए, थोड़ा बैठिए, तो सब लड़का खड़ा हो जाएगा ना, सब आपके जैसा तेज बनेगा ना, तभी क्लास में क्या से क्या हो जाएगा।